हेलो कंट्रा टू की फैमिली। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और नई गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो भाई आज हम चारों भाइयों का यहाँ पे मैच करने वाले हैं। तो इन फ्यूचर भाई ये मैच तो होना ही होना है, तो भाई हम चलो पहले ही करके देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि इन चारों का मैच शायद रसलमीनिया के अंदर तो होगा ही शायद, तो हम रसलमीनिया का ये रीना लगा देते हैं। तो भाई नॉकआउट ऑन है, एलिमिनेशन भी ऑन है और पिन सबमिशन भी ऑन है। तो जो बंदा भाई डैमेज होता जाएगा वो बंदा एलिमिनेट होता जाएगा, नॉकआउट भी हो सकता है। तो जो बंदा भाई यहाँ पे विन करेगा हम भाई उसको अपनी स्ट्रीम में मतलब आज की वीडियो पे एक्नॉलेज करेंगे, चाहे वो रोमन हो, चाहे सोलो सिकोवा, या फिर जिमी उसो, या फिर मेन इवेंट जे उसो। तो भाई आजकल मेन इवेंट जे उसो के बहुत ही ज़्यादा नारे लग रहे हैं। और ये क्या जे उसो का नाम लिया, तो जे उसो पहले नंबर पर ही इनकी बुकिंग हो चुकी है, आते ही एलिमिनेट। चलो भाई तो इस हिसाब से भाई जे उसो तो निकल गए पहले फिनिशर में ही, और यहाँ पे दूसरा फिनिशर लगा है जिमी उसो को, सोलो सिको को वह पहला फिनिशर यहाँ पे लग चुका है रोमन की तरफ से। तो यहाँ पे तो भाई मुझे यही लग रहा है कि रोमन ही विन करेंगे, क्योंकि इन चारों भाइयों में से अगर कोई बेटर है तो भाई रोमन ही है। तो कुछ बंदे आजकल जे उसो कर रहे हैं भाई, जिमी का भी चल रहा है, पर जे तो सबसे पहले नंबर पर एलिमिनेट हो चुके हैं। यहाँ पर सोलो को फिनिशर लग चुका है, यहाँ पे मतलब ये जिमी उसो को एक ही फिनिशर लगेगा और ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे। और रोमन के पास यहाँ पे ना फिनिशर है ना सिग्नेचर, इस वजह से भाई थोड़ा लेट हो सकता है एलिमिनेशन। पर हाँ अगर सोलो ने लगा दिया, सोलो ने फिनिशर लगा दिया जिमी को, या फिर जिमी ने लगा दिया सोलो को, तो ये एलिमिनेट हो सकते हैं। ये एक एक दो दो फिनिशर इनको लग चुका है, तो रोमन को भाई बच के रहना पड़ेगा अगर विन करना है तो। यहाँ तो भाई इनके फिनिशर सिग्नेचर जो हैं वो रिवर्स करने पड़ेंगे अगर भाई हमारी इस वीडियो के अंदर अपने आप को एक्नॉलेज करवाना है रोमन ने। ऐसे भाई रोमन रसलमीनिया को एक्नॉलेज करवाते आया है, मनी इन द बैंक को एक्नॉलेज करवाते हुए आया है, उसके बाद समर स्लैम को भी भाई इन्होंने एक्नॉलेज करवाया था। तो भाई आज हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो के अंदर भी भाई ये खुद को एक्नॉलेज करवाएँ। तो यहाँ पर अरे फिनिशर लगने ही वाला था सोलो का, पर रोमन ने पकड़ लिया, गलती की भाई, गलती कर रहे हैं। सोलो का एंगल रोमन के ऊपर हो चुका है, फिनिशर लगा तो यहाँ पर रोमन भी डैमेज हो सकते हैं। तो रोमन के पास सिग्नेचर आने वाला है, फिनिशर भी आने वाला है, तो सिग्नेचर लगाएंगे जहाँ पे जिमी को, तो ये भी एलिमिनेट हो सकते हैं, और फिनिशर लगाओ सोलो को तो ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे। फिलहाल रोमन भाई बराबर पीट रहे हैं, तो जे को मारने का मौका ही नहीं मिला रोमन को, तो भाई वो तो पहले फटके में ही एलिमिनेट हो गए, शायद सोलो ने किया था उनको एलिमिनेट। तब तक के लिए भाई ये अंदर लड़ेंगे ना, रोमन को रिकवर कर लेना चाहिए, और जे उसको जिमी उसको के पास फिनिशर है तो भाई लगाना चाहिए। तो टॉप रोप पे जा रहे हैं, लगाने दो रोमन फिनिशर है, लगाने दो यार सोलो के ऊपर फिनिशर, नीचे उतार दिया भाई से खुद ही उतर के नीचे। रोमन जितना बच के रहेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे, लगा फिनिशर, फिनिशर नहीं छीन पाए, नॉकआउट भी नहीं हुआ, पिन तो नहीं होगा, और ये ऊपर से कूद रहा है, इसका कोई मतलब भी है कि नहीं। चलो ठीक है, इसी बहाने भाई सिग्नेचर आ चुका है, फिनिशर भी आ चुका है, और यहाँ पर क्या लगेगा, कॉम्बो मूव कर कॉम्बो यूज़ कर रहे हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं था क्योंकि इनके पास तो कोई रनिंग मूव है नहीं है। सुपर किक यहाँ पर, ये क्या था, ये सिग्नेचर था, सिग्नेचर पे पिन नहीं होगा, सिग्नेचर पे पिन नहीं होगा। अगर फिनिशर वाली सुपर किक लगाई होती तो शायद क्या पता रोमन एलिमिनेट ही हो जाते। अभी जिमी को यहाँ पे बच के रहना चाहिए, रोमन के पास फिनिशर है, ये गिलिटिन लगी, अरे ये क्या मुफ्ती, अरे मुफ्ती यार रोमन के पास मुफ्ती है। चलो भाई किसी ने लाइव में करवा दिया होगा रोमन को मुफ्ती पे बैक में, तो यहाँ पर मुफ्ती लग चुकी है, फिर भी भाई एलिमिनेट नहीं हुए, और रोमन ने रिवर्स कर लिया सोलो का फिनिशर। तो यहाँ पे सोलो को फिनिशर लग सकता है क्या, कॉम्बो लग चुका है, स्पेयर लगेगा, कॉम्बो लग चुका है, स्पेयर लगेगा, लगा कि नहीं, अरे नहीं है। सोलो थोड़ा क्लोज आ गए थे तो स्पेयर यहाँ पे नहीं लगा, गिलिटिन भी लगेगी तो सोलो एलिमिनेट हो सकते हैं, लगी गिलिटिन। तो जे का थोड़ा सा दुख हो रहा है यार, पहले फटके में ही एलिमिनेट हो गए, मतलब पहले फिनिशर में ही एलिमिनेट, और यहाँ पे सोलो भी एलिमिनेट हो चुके हैं, बच्चे जिमी और रोमन। तो नेक्स्ट मैच मुझे जो लग रहा है ना WWE के अंदर मेन इवेंट के अंदर होगा, वो जिमी और रोमन का ही होगा। पिन कर रहे हैं भाई, गलती कर रहे हैं, सिग्नेचर दे रहे हैं उनको, रेफरी गिर गया था क्या, इतना स्लो काउंट कर रहा है ये, तो भाई रोमन इजी की कोड करेंगे, इतना स्लो काउंट होगा तो। फिनिशर लगा तो जिमी पिन कर सकता है, फिनिशर भी छीन लिया यहाँ पर रोमन ने, तो भाई रोमन एक्नॉलेज करवाने वाला है। तो भाई जल्दी से जल्दी, जो भी बंदा न्यू देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, देख सकते हो आप यहाँ पर रोमन ने यहाँ पे, अरे यार चलो कोई नहीं, टैप करवा देंगे भाई, तो टैप करवा दिया, मैं वही चाह रहा था कि यहाँ पे अगर नॉकआउट कर देते तो बहुत बढ़िया था, और यहाँ पे जिमी ने कर दिया टैप। तो इसी के साथ भाई रोमन ने इस वीडियो के अंदर भी खुद को एक्नॉलेज करवा ही लिया। तो कैसा लगा भाई आपको ये मैच, आप कमेंट में हमें बता सकते हो। कुछ हाइलाइट्स भाई आप देख सकते हो, ये देखो जी उसको भाई एक ही फिनिशर लगा और ये एलिमिनेट हो गए थे उसी टाइम पे,
चलो नहीं नहीं एलिमिनेट नहीं हुआ, पहले फिनिशर में इनके ऊपर पिन हो गया था, कुछ नहीं किया भाई इन्होंने। तो बाकी आप हाईलाइट यहाँ पे देख रहे हो तो यही है कि आज के दिन भाई जो भी बंदा न्यू देख रहा है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही भाई नज़दीक है हम 5K के। तो आई होप कि भाई हमारे 20 तारीख से पहले पहले 5K कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो भी बंदा वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए। हम मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।